लोगों को बरगलाने का काम करे, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। यह व्यक्ति डरा हुआ क्यों है और इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? ये संविधान का संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास है वो संवैधानिक संस्था का न मजाक उड़ाता है न उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की हत्या करने की मानसिकता रख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता का विश्वास तो जीत नहीं सके। चोर दरवाजे से सत्ता में आने के लिए आपकी व्याकुलता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। किस चीज का यात्रा? अपराधियों को टिकट देंगे, उग्रवादियों को टिकट देंगे, दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा ने बिहार में इस वक्त चल रही सियासी उथल पुथल को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजियां कर रहे हैं। जी हां, बता दें कि उन्होंने इस वक्त जिस तरीके से संविधान को लेकर बातें कही है वो सुनने लायक है। उन्होंने ये कह दिया है कि तमाम देश जो है वो संविधान से चल रहा है और संविधान के महत्व को समझना होगा। और विजय सिन्हा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ावे या भ्रम फैलाए, लोगों को बरगलाने का काम करे, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। यह व्यक्ति डरा हुआ क्यों है और इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, ये संविधान का संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास है वो संवैधानिक संस्था का न मजाक उड़ाता है न उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है न भ्रम फैलाता है। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की हत्या करने की मानसिकता रख रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर जनता की विश्वास खत्म हो रही है। सर, देवेश चंद्र ठाकुर का एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नीचे करो, देखिए माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हमने तो कहा कि जो भी निर्णय है हम संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय का हम लोग निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में और समाज हित में सर्वोपरि मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि बीजेपी अगर आप लोगों की बात नहीं मान रही है तो सरकार गिरा दीजिए। तेजस्वी यादव जी जनता का विश्वास तो जीत नहीं सके। चोर दरवाजे से सत्ता में आने के लिए आपकी व्याकुलता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और सरकार अब गिरेगी नहीं। सरकार 2025 में दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से फिर से बनेगी। उसी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं सर, अपनी सरकार बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। किस चीज का यात्रा? अपराधियों को टिकट देंगे, उग्रवादियों को टिकट देंगे, दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे। सत्ता में बैठकर अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे और यात्रा निकालेंगे? अरे जनता के बीच जाने के पहले उनको कसम खाना चाहिए कि मैं अपराधी और भ्रष्टाचारी को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा।